हाय हेलो एंड वेलकम वन मोर टाइम बॉलीवुड हैंगओवर है ये मैं नितिन आपके साथ एकदम ऐसे सीरियस होकर बोलूंगा। कोई कह रहा था ओवर एक्टिंग करता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। टेक थ्री लेकर आया हूं। सबसे पहले यहां पे बात करने वाले हम संजू बाबा की। जी हां, फाइनली उन्होंने सरेंडर किया। उसके बाद यहां पे बात करेंगे रांझणा के एक ब्रांड न्यू गाने की, यानी दैट्स नॉट ऑल। फिल्म रिलीज हुई है, एक नहीं दो दो अर्जुन कपूरों के साथ, जिसका नाम है औरंगजेब, उसकी भी बात करेंगे। यार बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा इमोशन और बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स। ये था माहौल जब संजय दत्त जा रहे थे सरेंडर करने के लिए सेशंस कोर्ट मुंबई में। जी हां, इतना सारा एक्शन, मतलब फोटोग्राफर्स जो भी थे और जितना भी हमारे कैमरामैन मीडिया वाले थे, सब उनके चिपट गए। मिक्स्ड फीलिंग्स थी। कुछ लोग कह रहे थे यार ठीक है सजा मिल रही है, कुछ ने कहा नहीं यार अब क्या सजा मिल रही है। इमोशंस बहुत सारा, यू नो, वो बॉन्डिंग देखने को मिली इनकी इनकी वाइफ के बीच, इनके जो ब्रदर इन लॉज थे इनके साथ, उन सबके बीच। जस्ट टेक अ लुक एट दिस पिक्चर। भर भर के लोग सड़कों पे थे सिर्फ एक झलक पाने के लिए संजू बाबा की। इनके घर इंपीरियल हाइट्स जो कि बांद्रा में है, वहां से निकले थे और ये गए जब टाटा कोर्ट। तब तक पूरे रास्ते जो मीडिया वाले इनका पीछा किया, एंड फाइनली इन्होंने सरेंडर किया। इनकी फैमिली वापस आई एंड बहुत अजीब सा माहौल हो गया था। ऑल वी वॉन्ट टू से इज जस्ट बी स्ट्रॉन्ग संजू बाबा। टेक टू, एक फिल्म जिसकी हीरोइन की वजह से इससे बहुत सारी उम्मीदें मुझे नहीं थी, लेकिन अब हीरो जो है वो मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है, इज रांझणा, जिसका टाइटल ट्रैक इज आउट। एंड क्या लग रहा है यार धनुष, मतलब एकदम सिंपल लुक में वो आदमी, और जो छोटी मोटी हरकतें कर रहा है उससे बहुत सारे लोग कहेंगे यार हम भी वो लड़की का पीछा करते हुए ऐसे करते थे, ऐसा भी करते थे, और वो बहुत क्यूट ढंग से कर रहा है। तो तुम भी, ये नहीं कि किसी के पीछे पड़ जाओ नहा धोके, वैसे ये बड़ा क्यूट सा है ऐसे अजीब से लुक में भी। एंड टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग, एआर रहमान का म्यूजिक और ये गाना धीरे धीरे लोगों के सर चलेगा, इस बात की गारंटी है। बॉस बहुत सारे अच्छे अच्छे मूव्स करते दिखाई देंगे इसमें धनुष, एंड रहमान के किसी गाने में इतने लटके झटके हमने शायद पहले कभी देखे हो। डू चेक आउट दिस सॉन्ग, इसका लिंक यहां दे रहा हूं। टेक थ्री, यहां पे बात करने वाले हैं फिल्म औरंगजेब की, जिसमें एक नहीं दो दो अर्जुन कपूर है। ये कहानी है एक रियल एस्टेट बिल्डर की, बोले तो जैकी श्रॉफ की, और कैसे वो अपने ग्रुप वाले अर्जुन कपूर यानी कि अजय नाम के इस इंसान से सारे उल्टे पुल्टे काम कराता है। एंड पुलिस वालों के पास भी एक अजय होता है विशाल के रूप में, बोले तो एक और अर्जुन कपूर, जिसको ये लोग भेज देते हैं जैकी श्रॉफ के घर में। और बस वहीं पे ये कहानी होती है कैसे ये वहां पे एक हीरोइन साशा आगा से मिलता है, प्यार वगैरह होता है। बाद में दोनों को पता लगता है कि हम दोनों तो भैया है, भैया, और बस वो एक टिपिकल पुरानी कहानी, इसमें कुछ खास है नहीं। टॉकिंग अबाउट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दिस मूवी, अच्छाई है कि कहीं ना कहीं कुछ एक डायलॉग्स जो है, और ऋषि कपूर साहब की परफॉर्मेंस, वो आपका दिल जीत सकती है। उसके अलावा जैकी श्रॉफ इज टू गुड इन द मूवी, एंड अर्जुन कपूर ने भी अच्छा काम किया है। अय्या में काम कर चुके पृथ्वीराज सुकुमारन, इस फिल्म में थोड़ा बहुत मौका मिला कुछ काम करने का, एंड वो जो दो चार सीन है साशा आगा और अर्जुन कपूर, हाँ वो देख सकते हैं आप। लेकिन बुराई की बात करूं तो बहुत लंबी लिस्ट है यार। एंड अतुल सबरवाल जो कि इसके डायरेक्टर हैं, उनको बड़ा संभाल संभाल के ये फिल्म बनानी थी, जो भी शायद उन्होंने नहीं की, इस वजह से डब्बा गोल हो गया है यार। फाइनल वर्डिक्ट की बात भी कर लेते हैं यार, बॉलीवुड हैंगओवर की ओर से देंगे इसको पूरे एक दो, और चल अर्जुन दो दो है ना, आधा ढाई स्टार्स। दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू, थैंक यू सो मच। हमें देखते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन पे लिखना कैसा लगा। दिस इज मी नितिन साइनिंग आउट, थैंक यू सो मच, जाओ।